हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे वीडियो सीरीज़ में। आज हमारे पास है महिंद्रा की स्कॉर्पियो और इसमें प्रॉब्लम है, ये सारी लाइटें ऑन हैं ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रिमो की लाइट, चेक इंजन लाइट, सारी लाइट्स ऑन हैं। यहाँ पे आपका फॉग लैंप वगैरह, फोर व्हील ड्राइव, हिल सिस्टम, एयरबैग सिस्टम, हैंड ब्रेक, ABS। तो इसमें हम जो हमें ये तो लाइट सारे जो है लॉक वाली और इस साइड वाली, ये BCM से होता है कनेक्शन। तो इसका BCM कहाँ पे होता है वो देखेंगे, जिसको MBFM बोलते हैं। ये कवर होता है इसमें और ये इसका BCM है, ये वाला। तो इसको हमने खोल के देखा है, सारा कुछ इसमें सही है और इसमें एक पावर नहीं आ रहा है, जो डायरेक्ट पावर आता है वो आ नहीं रहा है इसमें। तो इसका एक फ्यूज यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी फ्यूज होता है ठीक है, और फ्यूज एक बाहर भी होता है। तो यहाँ भी पावर नहीं आ रहा है, मैं आपको चेक करा दूँ। तो यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम वाले में लाइन नहीं आ रहा है, यहाँ पे तीन चार फ्यूज में लाइन नहीं आ रहा है ठीक है। तो इसका बाहर से ही कोई ना, या फिर बीच का सॉकेट होता है उधर, वहाँ से प्रॉब्लम होगा मिसिंग का। और इसका ऑडियो सिस्टम भी ऑन नहीं हो रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और वाइपर वगैरह शायद काम कर रहा है, नहीं कुछ भी नहीं। इसमें वाइपर भी फेल है, इंडिकेटर फेल है, पूरा MBFM मतलब पूरा वर्किंग कंडीशन में नहीं है, बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है। तो इसका मेन पावर जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। इसका ब्लोअर भी नहीं चल रहा। तो चलिए हम उसको देखते हैं वो फोल्ट कहाँ पे है, और देखने के बाद आपको भी दिखाते हैं। तो इसका जो ये फ्यूज है, ये सब BCM का है, अंदर डायरेक्ट लाइन जाता है इसमें। इसको हम, इसका अक्सर प्रॉब्लम जो आता है, पीछे से आता है, यहाँ पे सॉकेट जलने के कारण, हीट के कारण। इसमें हम चेक कर लेंगे, यहाँ पे हमें करेंट आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, सभी में आ रहा है, ये वाले में नहीं आ रहा है ठीक है। ये वाले ऊपर वाले में, सबसे ऊपर में, उसके नीचे में आ रहा है। तो इसके लिए हम इसको खोलेंगे। देखिए इसमें हीटिंग है, ये हीट हुआ पड़ा है ठीक ना। इसको पिन से थोड़ा सा टाइट कर देना है, अच्छे से सब दबा लेंगे। वाइपर हमारा लगाने के साथ चालू हो गया, वहाँ बंद किया वाइपर, यहाँ पर हमारा पावर भी आ गया। इंडिकेटर भी हमारे काम करने लगा। और यहाँ पे जो ये लाइट से साथ चारे चलेगा, रिमो का लाइट चला गया, ये इंडिकेटर भी हमारा, इसमें पावर नहीं आया, लेकिन ये इंडिकेटर, वाइपर, ये सारे हमारे वर्क करने लगे। तो इस तरीके का प्रॉब्लम अगर आपको आता है, तो मैंने दो तीन सौ स्टेप बताया। एक यहाँ पे, एक वहाँ पे कपलर में हीटिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, और एक फ्यूज बॉक्स के नीचे। अगर ऊपर का फ्यूज सही है तो नीचे से आप ज़रूर देखें,
उसमें भी आपको 80% चांस और ज़्यादातर चांस वहीं पे होता है। और इसमें ये सब भी नहीं चल रहा है तो इसका भी हम देख लेंगे, लेकिन जो हमारा MBFM का वर्किंग कंडीशन नहीं था वो हमारा वर्क हो गया है। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।